निगम परिषद का कार्यकाल खत्म होने पर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, उनके द्वारा रखे जाने वाले अच्छे सुझावों पर अमल भी करेंगे। आशीष सिंह ने कहा कि अब निगम अधिकारियों को और ज्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परिषद के प्रतिनिधियों, चाहे वो महापौर हो, सभापति हो, नेता प्रतिपक्ष हो या MIC सदस्य हो, सभी ने शहर के विकास में बहुत सहयोग दिया है। इंदौर से जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। ये परिषद का कार्यकाल समाप्त हुआ आज, क्या आपके अनुभव रहे इस परिषद के साथ? देखिए, मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा, चाहे सभापति जी हो, महापौर जी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सारी MIC मेंबर्स और पार्षद हैं, कि शहर के विकास के लिए और इंदौर शहर को एक विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा काम सभी ने मिलजुल कर जनता के सहयोग से और मीडिया के सहयोग से किया। मैं बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं। कल से आपको अकेले संभालना है नगर निगम, किस तरह से जनता के काम हो सके, पूरी नजर रहे, क्या व्यवस्था करेंगे? परिषद का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो हमारे लिए आगे भी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर उनके माध्यम से जनता की कोई बात आती है, खासतौर पर निर्वाचित अभी विधायकगण जो हैं उनके माध्यम से, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से या अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के हित की कोई भी बात आती है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जरूर है कि कोई भी पैसा नहीं, तो हमारे जो नीचे के अधिकारी हैं, जरूर हैं, उनको थोड़ा और ज़्यादा संवेदनशील और जनता की अधिक सुनने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सारे के सारे मुद्दे जो है वो हम तक पहुँच जाए और उनका शीघ्र निराकरण हो जाए, जैसे कि जनता को कभी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी पार्षदों ने कहा कि कुछ प्रस्ताव लंबित हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए, क्या वो होंगे? जो प्रस्ताव हैं उनका परीक्षण करके अगर वो जनता के हित में है, विकास कार्य अगर ऐसे हैं जैसे जनता को फायदा हो रहा है, कॉलोनी को फायदा हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनको करेंगे और परिषद का कार्यकाल खत्म होने से विकास कार्य नहीं रुकेंगे, विकास कार्य चालू रहेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।